गजा पर इसराइली जुल्म व सितम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 78 फ़िलिस्तीनी शहीद और 104 जख्मी हो गए। इससे कबल बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों की जद में आई इमारतों के मलबे के नीचे बहुत से अफराद फंसे हुए हैं और सड़कें तबाह होने की वजह से इमदादी कारकुनों को भी मुश्किल का सामना है। मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 30,878 से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इसराइली बर्बरियत के बाद बड़े पैमाने पर अमवात के अलावा 85% आबादी को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब दीगर ममालिक की जानिब से गजा के भूखे फ़लस्तीनियों के लिए तैयारों से गजाई बॉक्स भेजने की कार्रवाई भी जारी हो रही है। फिजा से छोड़े गए बॉक्स की जद में आने से भी 5 फ़लस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इस दरमियान अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि गाज़ा में ख़वातीन को तरजीही बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रमज़ान के आगाज तक गाज़ा में जंगबंदी के मुहायदे तक पहुँचना मुश्किल लगता है। बाइडन ने मीडिया से कहा कि उन्हें तश्वीश है कि अगर गाज़ा में जंगबंदी ना हुई तो मशरक़ी यरूशलम में कशीदगी और वायलेंस बढ़ेगा। दूसरी जानिब हमास ने कहा है कि वह गाज़ा में जंगबंदी के अपने मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होगी। हमास गाज़ा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर बंद करने और इमदाद बेघर लोगों के लिए पनाहगाहों का इंतज़ाम करने और तामीर नौ की कार्रवाइयों के आगाज़ का मुतालबा करती है। इस दौरान फ़लस्तीन के मज़ाहमती जंगजुओं ने गजा में इसराइली फ़ौजियों के सेंटर पर हमला किया है। वहीं अल-क़सम ब्रिगेड के हवाले से फ़लस्तीनी ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गजा के इलाके जबालिया के मशरक में गाज़िब इसराइली फ़ौजियों के एक सेंटर पर रॉकेटों से हमला किया है। बताया गया है कि फ़लस्तीनी जंगजुओं ने इस हमले में कम दूरी तक मार करने वाले रॉकेट फायर किए हैं। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक इस हमले में सिहूनी फ़ौजियों को जानी और माली नुकसान पहुँचा है, लेकिन इसकी तफसील अभी मालूम नहीं हो सकी है। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उमरा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई, मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ में हरम से करीब स्टार लग्जरी होटल्स में क्याम, 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत, मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत, वो तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। उमरा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।